fit and fine at your homes. In this lecture, we will discuss about our chapter, that is motion and time. This chapter will be motion and time के बारे में study करने वाले हैं. First of all, we will discuss about motion. In previous video, पहले की जो video मैंने upload की थी, we already discussed about motion and its types. उस वीडियो में हमने मोशन और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया. हमने चार टाइप के मोशन के बारे में स्टडी किया था, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, विद एग्जांपल इन डिटेल. ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड के बारे में. तो स्पीड क्या होता है, स्पीड बताने से पहले मैंने जो आपको समझाना है दैट इज डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, उसकी हेल्प से हम स्पीड को स्पीड के बारे में भी समझेंगे. क्लियर है? तो मोशन का मतलब था एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज मोशन. ठीक है, उसको हम मोशन कहते हैं. अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें, डिस्टेंस को हम दूरी भी कहते हैं. डिस्टेंस होता क्या है? दूरी. मीन्स की अगर मैं बात करूँ, मैं आज सपोज मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे आगरा जाना है, तो मेरे मुझे दिल्ली से आगरा जाने में बीच में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितनी दूरी है, कितना दूर है दिल्ली और आगरा से, इस चीज़ को हम डिस्टेंस बात करते हैं. डिस्टेंस एक और टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं. सपोज मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ इस पोजिशन पे और मुझे इस पोजिशन पे जाना है. ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये दूरी है, इसी को बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये पोजीशन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर है, 100 सेंटीमीटर सपोज 100 सेंटीमीटर दूर है. सपोज एक्चुअली नहीं है, बट सपोज कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर के दूर है, दैट मींस ये डिस्टेंस में है एक दूसरे से. क्लियर है? डिस्टेंस होता है रास्ता, कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं. लोकेशन, एक लोकेशन है ये, ठीक है, लोकेशन ए. एक लोकेशन ये हो सकती है लोकेशन बी. दो लोकेशन है मेरे पास. ठीक है, किसी पर्सन को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना है. ठीक है, किसी पर्सन को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना है, तो वो दो रास्ते हो सकते हैं. एक तो ये रास्ता यहाँ से सीधा बी के पास चला जाए. दूसरा रास्ता हो सकता है कि एक और रास्ता है कुछ इस तरह. ठीक है, इस रास्ते से होके भी वो जा सकता है. हो सकता है कि इस रास्ते में कोई बैरियर हो सकता है रास्ता डैमेज हो. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही हो. ठीक है, या फिर रोड हम कह सकते हैं टूटी हुई हो. कोई भी रीजन हो सकता है कि उसको ए से बी में जाना है, बट वो सीधा नहीं जा सकता, वो उस रास्ते से होके जा रहा है, तो अभी ये डिस्टेंस ही है. सिर्फ हमें ये देखना है कि ए से बी में जाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, दैट इज डिस्टेंस. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक और टर्म डिस्प्लेसमेंट की, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट ये आपको पता होना जरूरी है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा जो रास्ता होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. डिस्टेंस होता है रास्ता, अब वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, और वो लॉन्गेस्ट पाथ भी हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज डिस्टेंस. वो ये रास्ता भी हो सकता था, वो ये रास्ता भी हो सकता था, कोई और रास्ता भी हो सकता था. वो रास्ता जितना लंबा होगा वो उतना ज्यादा डिस्टेंस की वैल्यू होगी. क्लियर है यहाँ तक? लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दोनों के बीच में, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब सपोज ये है 100 मीटर और ये 100 मीटर और ये है 200 मीटर. ठीक है, अब इसमें मैं बात करूँ डिस्टेंस क्या होगा, दोनों डिस्टेंस हो सकते. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में. स्पीड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिवाइड बाय में टाइम टेकन। इसका मतलब है स्पीड का सीधा सीधा रिलेशन है डिस्टेंस से और टाइम से। कैसे रिलेशन है इसका मतलब, स्पीड का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर सकता है, दैट इज नोन एज स्पीड। हम कैसे इसको पता कर सकते हैं, मतलब कि हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि अब मैं एक घंटे में 10 किलोमीटर चल सकती हूँ या रन कर सकती हूँ, दैट इज माई स्पीड, कि मैं कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ। तो यहाँ जो 10 किलोमीटर आया है ये है डिस्टेंस। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट वर्ड हम हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे वेलोसिटी का टॉपिक तब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है, हम जो रास्ता तय करने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें बस उससे मतलब है, क्लियर है। तो अगर किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट यहाँ पे जाना है और जाने के लिए उसको एक घंटे का टाइम लगा है, अगर उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए एक घंटे का टाइम लगा है और कितना बीच में डिस्टेंस है उससे हम पता कर सकते हैं उसकी स्पीड क्या रहेगी, क्लियर है। देखते हैं, सपोज डिस्टेंस है, अगर मुझे ट्रेवल करना है 10 किलोमीटर, मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है और मेरे पास टाइम है 1 आवर, 1 आवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे कवर करना है, इतनी दूर मुझे जाना है और टाइम है 1 आवर, तो मेरी स्पीड क्या होगी। अगर मैं एक घंटे में 10 किलोमीटर चलती हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हम स्पीड निकाल लेंगे सिंपली, स्पीड इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय में 1 किलोमीटर को हम यहाँ रखेंगे, डिवाइड बाय में कौन सी यूनिट है आर, यही होगा। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं एज इट इज वो स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाय में आर, यही होगा। अब मैं किलोमीटर को तो आर से डिवाइड कर ही नहीं सकती तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी। तो इसका मतलब 10, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 मीटर आर के ऊपर -1 का साइन। ये -1 किसी भी यूनिट के पीछे पावर में -1 लगाया जा रहा है, माइनस वर्ड इंडिकेट करता है कि वो डिवाइड में थी। अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहती हूँ तो मेरे को एच डिवाइड में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। इसका मतलब और इसका मतलब एग्जैक्टली क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। तो मैंने यहाँ स्पीड निकाली, स्पीड का सीधा सीधा हम स्टैंडर्ड वर्ड्स में समझें तो एक घंटे में मैं कितना टाइम कितना डिस्टेंस कवर करती हूँ, दैट इज स्पीड, जो मेरी स्पीड बताता है। कैसे, एक घंटा ही क्यों लिया, मैंने सेकेंड क्यों नहीं लिया, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। यूनिट ऑफ स्पीड के बारे में, यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड करेगी यूनिट ऑफ स्पीड डिस्टेंस पे और टाइम पे, डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड करती है स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है यहाँ पे, डिस्टेंस किलोमीटर में ट्रेवल किया है, ओके। और टाइम की क्या यूनिट ली थी हमने, आर ली थी, तो स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, कुछ ऐसे लिख सकते हो मैं इसको, ठीक है। लेकिन ये तो तब हम यूज करेंगे जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना हो किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी पर्सन ने, जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा किसी पर्सन ने तब हम क्या करेंगे, तब हम किलोमीटर पर आर की स्पीड को लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट स्पीड की, एसआई यूनिट की, तो स्पीड की एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, या हम कह सकते हैं जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि सारी जगह यही यूनिट यूज की जाती है, बाकी हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस को आपने अगले क्लासेस में पढ़ा होगा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बना रखी है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें एसआई यूनिट की तो वो कौन सी यूनिट है, वो है मीटर। मिलीमीटर सबसे छोटी हम यूनिट को मानते हैं, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, सेंटीमीटर उससे बड़े ऑब्जेक्ट को, मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। किलोमीटर जब लेंथ बहुत ज्यादा हो उसको मेजर करने के लिए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो मैं डिस्टेंस की भी स्टैंडर्ड यूनिट लूंगी। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर डिवाइड बाय, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड्स डिवाइड बाय सेकंड्स। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड, सिंपल।
मीटर पर सेकंड स्पीड की ऐसा यूनिट है, बट हम जब ज्यादा एरिया को कवर कर रहे होते हैं, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, उस केस में हम जो लेते हैं वो लेते हैं किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना? तो स्पीड का हमने जनरल अभी समझा। अभी हम स्पीड को मेजर करने वाले डिवाइस की बात करते हैं। स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर एक डिवाइस का नाम है या एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो हमारे व्हीकल्स के डैशबोर्ड पे लगा हुआ होता है, जिससे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। मींस कोई पर्सन कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीडोमीटर जो हमें ये बता रहा है कि हमारी व्हीकल कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, उसके बाद एक और मीटर आता है ओडोमीटर, अनदर मीटर इज ओडोमीटर। ओडोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पीडोमीटर के साथ ही लगा हुआ होता है, हमारे व्हीकल्स के डैशबोर्ड पे लगा हुआ होता है। और इसका काम क्या है, ये हमें बताता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उस व्हीकल ने, उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितनी दूर वो व्हीकल चली है आज तक, वो ये बताएगा, वो बताएगा ओडोमीटर। ये भी एक डिवाइस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। स्पीड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं स्पीड के टॉपिक पे। ठीक है, ये हम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक और टर्म बताना चाहूंगी, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं अभी हम, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी। यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है, यहाँ मान लो कोई व्हीकल है, सपोज ये कार, हाँ कार जैसी लग नहीं रही है बट इट्स ओके, सपोज ये कार है और कार को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास जाना है। ठीक है, कार ट्रेवल कर रही है, कार की जो स्पीड थी इनिशियल वो थी 70 किलोमीटर पर आवर और उस कार में मैं बैठी हूँ, मैं अपने टाइम की बोरिंग चली हूँ और मुझे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रही हूँ। क्लियर है? अब दूसरी सिचुएशन आती है कि अनदर कार है, ठीक है, उसको भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है कुछ इस तरह से, पर ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है और वहां पहुंच गई है डेस्टिनेशन पे विदाउट एनी प्रॉब्लम इशू। उसके बाद हम इसकी कार की बात करते हैं, ये कार चली थी ए डेस्टिनेशन से, ए से गई थी, ए इनिशियल पॉइंट है जहां से वो कार स्टार्ट हुई थी, उसके बाद उसने जाना है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जाने के लिए उस कार ने, मान लो कि मैं बैठी हूँ कार में, मुझे जाना है स्कूल जाना है सपोज मुझे, और मैं अपने घर से चली हूँ और मेरे जो घर से चलने की स्पीड थी ना, मैं अपनी कार की स्पीड रखती हूँ कुछ 60 किलोमीटर पर आवर, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं जाती। ठीक है, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तो लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए, इसलिए मैंने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। कार की स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, मैंने अभी कार की स्पीड थी 60, थोड़ा आधा रास्ता कवर करने के बाद, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद मैंने उसकी स्पीड कर दी 80 किलोमीटर पर आवर, मैंने इसकी स्पीड कर दी 80 किलोमीटर पर आवर और फिर मैं स्कूल टाइम से पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बात की जाएगी इनिशियल स्पीड की, स्टार्टिंग में स्पीड ऊपर वाली कंडीशन में और नीचे वाली कंडीशन में क्या डिफरेंस है। स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई स्पीड में चेंज आया नहीं है, 70 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड थी और बाद में भी ये 70 किलोमीटर पर आवर ही थी, कोई स्पीड में चेंज नहीं आया, इसी को मैं यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड कह सकती हूँ। ऐसी सिचुएशन जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट मतलब स्पीड फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ 70 है तो 70 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूँ, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो मैंने इनिशियली मेरी स्पीड 60 थी, बाद में मैंने अपनी स्पीड को 80 कर दिया, तो 60 से 80 मैंने अपनी स्पीड को चेंज किया है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब मैं अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंट नहीं रख रही हूँ, फिक्स नहीं रख रही, मैं अपनी स्पीड को चेंज कर रही हूँ, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर मैं बात करूँ उस सिचुएशन की, तो क्या यहाँ कोई एवरेज होगी स्पीड, एक ही स्पीड है फिक्स है। लेकिन अगर मैं सेकेंड सिचुएशन की बात करती हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग में स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, बाद में स्पीड होगी मेरी 80 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही है वो निकालना सीखते हैं। एवरेज स्पीड को निकालना सीखते हैं, एवरेज, एवरेज स्पीड क्या रही मेरी, मेरी स्टार्टिंग की स्पीड थी कितनी थी,
पहले मुझे ये देख लेना चाहिए कि मेरी बाद में स्पीड कितनी है, ये ज़्यादा कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 60 मेरी स्टार्टिंग स्पीड थी प्लस, बाद में मेरी स्पीड क्या होगी 80, दो स्पीड होगी ना, तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो मेरे को इसको डिवाइड बाई 2 कर देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा 60 प्लस 80 140 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी, क्या आएगा मेरे पास 70, करेक्ट 70 आएगा। अब मैं 70 के पीछे यूनिट क्या लिखूंगी, क्या मैं मीटर पर सेकंड लिखूंगी या किलोमीटर पर आर लिखूंगी। डिस्टेंस किसमें लिया था मैंने, किलोमीटर में, टाइम किसमें लिया था आर में, तो मैं यहाँ पे यूनिट क्या लिखूंगी किलोमीटर पर आर। ये मेरी क्या होगी एवरेज स्पीड। सपोज कि मैंने तीसरी बार फिर से स्पीड चेंज की थी, मतलब मैंने पहली जो स्पीड थी, जो सबसे पहले मैंने पॉइंट पे स्पीड ली थी दैट इज 60, उसके बाद मैंने 80 ली, उसके बाद फिर से मैंने स्पीड चेंज कर दी और मुझे लग रहा है और लेट हो रही हूँ तो मैं अपनी स्पीड और बढ़ा देती हूँ, मैं 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा हूँ सपोज, तो मैंने 3 बार चेंज की ना अपनी स्पीड को, तब मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, तब मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी। सेम मैं इसी तरीके से निकालूंगी, पहले 60 थी प्लस, उसके बाद मैंने चेंज करके क्या कर दी थी 80 प्लस, उसके बाद मैंने स्पीड को चेंज करके उसको क्या कर दिया मैंने 100। तीनों को ऐड करूंगी, कितनी स्पीड है 1 2 3, तीन स्पीड है, डिवाइडिंग से करूंगी 2 से या 3 से, ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करूंगी, टोटल देखो ना कितनी स्पीड है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दूंगी, 3 से डिवाइड करूंगी करो इनको 240 डिवाइड बाय 3 करो इसको सॉल्व, क्या होगी मेरी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आर, क्या होगी मेरी एवरेज स्पीड, मैं अपनी एवरेज स्पीड को बढ़ा रही हूँ जिससे मैं अपने टाइम पे अपने स्कूल में पहुंचा। समझ आया आपको एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड मतलब कि नॉर्मल मैं मान के चल रही हूँ कि अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो मेरी जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी चेंज करने के बाद, एवरेज स्पीड चेंज करने के बाद, ये जो हम एवरेज स्पीड है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही निकाल सकते हैं, ऐसी हम मोशन जिसके अंदर बार बार हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं तो मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, मतलब कि जितना टाइम मेरे को ऐसे बार बार स्पीड चेंज करके ए से बी में पहुँचने में लगा, अगर मैं कॉन्स्टेंट स्पीड रखती तो उतना कैसे कैसे कवर कर लेती, अगर मेरी 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड होती तो मैं ए से बी में उसी टाइम में पहुंच जाती जितना मुझे ये 3 बार स्पीड को चेंज करके पहुंचना पड़ा, एवरेज स्पीड का ये मतलब होता है। क्लियर है यहाँ तक, अभी हमने पढ़ा है स्पीड क्या होती है, यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड की यूनिट के बारे में बात करी, डिस्टेंस की यूनिट के बारे में बात करी हमने, हमने एवरेज स्पीड निकाल के देखे हैं 2-3 तरीके से कैसे निकालते हैं वो देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड के कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसके बाद सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।